गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, दुनिया में 2020 से शुरू हुआ कोरोना काल अभी तक मंडरा रहा है। दुनिया भर में कहीं भी अभी तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ। साल 2020 तो जा चुका, लेकिन 2021 के आने के बाद भी अभी तक मास्क उतारने को किसी को नहीं कहा गया। ऐसे में कई देशों के अंदर अभी भी इसको लेकर कर्फ्यू लगा हुआ है। हाल ही में एक मामला कनाडा से सामने आ रहा है, जहां पर क्यूबेक में 4 हफ्तों से कर्फ्यू था। ये कर्फ्यू रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक लगा हुआ था। हालांकि इस बीच जरूरी कामों के लिए लोग बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन इस बीच किंग स्ट्रीट इससे एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, जहां एक महिला ने तो कमाल ही कर दिया। उसने अपने ही पति के गले में कुत्ते वाला पट्टा बांधकर रखा हुआ था। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रही है, तो उनका कहना था कि वे अपने कुत्ते को घुमा रही है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि इस कर्फ्यू के दौरान अपने पालतू जानवरों को घुमाना तो मना नहीं किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ये कपल पुलिस से किसी भी तरीके से बात करने को ही तैयार नहीं था। पुलिस ने इन दोनों के ऊपर $1,500 का जुर्माना लगाया। बता दें कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। बीते साल नवंबर में तो चेक रिपब्लिक में एक बंदा स्टफ्ड डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले गया। जब पुलिस ने उसको रोका, तो उसका कहना था कि अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर आया है। जैसे ही पुलिस कर्मियों को इस बात का एहसास हुआ कि वह तो एक खिलौना है, तो उन्होंने उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।